तो बैड न्यूज तो है कि भाई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कि इंसान चलता फिरता ना बिल्कुल सही रहता है। और क्योंकि जब हम कैमरे पे आते हैं ना, तो अगर कैमरे पे कोई चीज इतनी बड़ी हो ना, वो इतनी बड़ी दिखती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू आवर न्यू जिमिंग वीडियो। तो भाई आज हम फिर से पहुंच चुके हैं जिम में, और जिम का वर्कआउट करने का सोच रहे हैं। क्या वर्कआउट कर रहे हैं? तो पायल कह रही है कि गोलू एक काम करते हैं, शोल्डर का वर्कआउट करते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हमारा जो शोल्डर का वर्कआउट है वो पेंडिंग है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बात पे करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। और भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल आप लोगों को आगे ब्लॉग दिखेंगे, क्योंकि जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम पे ब्लॉग नहीं आया होगा। बट आप लोग ना मलिक ब्लॉग्स, चिरायु पायल, मलिक फैमिली फिटनेस, मलिक किड्स के व्लॉग जरूर देखना आज के, क्योंकि उसमें आपको दिखने वाला है स्पेशल धमाल, जो कि होगा बहुत ही फन। तो सबसे पहले कर लेते हैं बॉडी को वार्म, वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में वेट जो मैंने लिया है 2 kg लिया है, तो शोल्डर करने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। भैया ने ना अभी अभी मुझे एक वर्कआउट बताया है, ये मेरे पास 2 kg के हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और ये 2 ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे मैं ऐसे 100 कर लूं, नहीं वेट कम रैप ज्यादा, एक काम करते दोनों मिक्स कर लिए, वर्कआउट खराब हो जाएगा, मजा कर लूंगा यार, इसे तो पता ही नहीं लगेगा। इसे फील करो गाइस, फील करो कि तुम्हारे हाथ में 10-10 किलो के डंबल है, ठीक है, जो आप फील करोगे वो चीज होती है। आज हमारी ऑडियंस सोचनी होगी क्या हम इतने सिंपल बन के आए हैं, कल भी सिंपल ही बन के आए थे। तो वैसे आज मन नहीं कर रहा इंस्टाग्राम की रील बनाने का। 13-14 मर गई बस। तो ये है मेरा सेकंड सेट, इसमें मैंने वेट कर दिया 2.5। सर ने मुझे बताया कि आप वेट बढ़ाओ, और रैप चाहे आपसे 30 की जगह 25 हुए वो चलेगा, ठीक है, शुरू कर दो। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फेस पुलिंग, उसके लिए मैं ये जो चेंज कर देती हूँ रॉड। सो गाइस, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मुझे ना वर्कआउट के जो नाम है ना वो याद होने स्टार्ट हो गए। पहले ऐसा होता था, मैं बोलती थी अच्छा ये करे वो करे, तो बड़ा अजीब सा लगता था। पर वही है ना, जिस चीज़ की आप धीरे धीरे आप आदत डालते हो ना, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में ना सब चीज़ें अडेप्ट हो जाती है। तो भाई वर्कआउट के बीच बीच में आपके कमेंट पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि आप इतने प्यार से हमें हमेशा कमेंट करते हो और काफ़ी चीज़ें पूछते हो, काफ़ी चीज़ें बताते हो, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्कआउट के बीच में जब भी हमें रेस्ट वाला टाइम मिलता है तब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ, सयान तानी का, वो लिख रहे हैं आई लव पायल एंड जैदू बॉन्डिंग वेरी मच, कोई कुछ भी कहे पर जैद पायल से बहुत प्यार करता है, पायल भी जैदू से बहुत प्यार करती है, लॉट्स ऑफ लव टू मलिक फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू ऑल किड्स। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया, और ये कमेंट मैंने नहीं निकाले, कभी आप लोगों को लगे कि अच्छे कमेंट मैं खुद निकालती हूँ, गोलू ने निकाल के दिया मुझे कमेंट पढ़ने के लिए। और देखो, दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने पैदा किया है, उनके साथ हमने दुख देखे हैं, सुख देखे हैं, और धीरे धीरे उनको बड़ा होते देख रहे हैं। तो बच्चे का प्यार तो माँ के लिए एक पहले बच्चे के लिए भी उतना होता है, चाहे माँ के 12 बच्चे हों, 12 के लिए भी बराबर प्यार होता है। तो भाई मेरा सेकंड सेट हो गया था फेस पुली का, मैं जा रही हूँ थर्ड सेट करने, और गोलू आ चुकी है अपना वर्कआउट करके। तो गाइस पायल बिल्कुल ठीक थी, ये सारे कमेंट्स ना मैंने निकाले हैं। और नेक्स्ट कमेंट्स है श्रेया 345 का, आई लव कृतिका एंड तुबा बॉन्डिंग, तुबा सबसे ज्यादा प्यार गोलू से ही करते है, ये तो है, बहुत 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 प्यार करती है। आजकल तो वो मम्मी मम्मी इतना करने लग गई है, कहीं पर भी जाती है ना मम्मी, सोकर उठती है मम्मी, कहीं भी कोई बात हो मम्मी मम्मी। तो वही इसके साथ साथ नेक्स्ट कमेंट है शर्विंदर ब्रार का, पायल दी गोलू दी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती आपको बात करने के लिए, खुशी होती है, आप दोनों हंस लेते हो, अगर दुख होता है तो एक दूसरे को संभाल लेते हो। तो बिल्कुल ठीक बात बोली, हम लोग खुशी में भी साथ रहते हैं, दुख में भी साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा ना दुख वाले दिन भी देखे हैं, हम लोगों ने अच्छे दिन भी देखे हैं, हम लोगों ने बुरे दिन भी देखे हैं, तो वो दिनों को देख कर ना हमें एक्सपीरियंस मिला है आगे वाले टाइम का। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक करी, हमें एक फ्रेंड की जरूरत नहीं है, हम लोग अब एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं अगर पायल की कोई बात हो। और यहाँ पे ना हमारे जो भैया है ना, पायल को प्रॉपर पोस्चर बता रहे हैं फेस होली का। मैं जो कर रही थी ना, मैं इस तरीके से कर रही थी, ये इस तरीके से, पर भैया ने मुझे बताया अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी ना तो आपका जो ये एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होगा। तो भैया ने बोला ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपको पकड़ने का तरीका, तो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा है, ठीक है, और उन्होंने बोला रिलैक्स नहीं देना आगे, ठीक है, तो मैं आप करके दिखाती हूँ।
तो नेक्स्ट कमेंट है रत्ना पवार का, वो लिख रहे हैं आप सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं, आपके परिवार को नजर ना लगे, प्लीज क्वेश्चन का आंसर देना, वेट गेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करूं, बट एक प्रॉब्लम है घर में कर सकते हैं ऐसी एक्सरसाइज बताना, मेरा जो वेट है वो 26 kg है, मेरे को 30 kg करना है, सिर्फ एक्सरसाइज ही बताना मेरी, इनका एज है 13, लॉट्स ऑफ लव फॉर गुजरात, तो ये गुजरात से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको वेट गेन करना है तो आप अपनी डाइट को चेंज करो, अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो तो अपनी डाइट का इनटेक जो है वो अच्छे से लो, एक्सरसाइज से आपकी जो बॉडी है आप उसको अच्छी शेप में लेके आ सकते हो, आपकी मसल्स गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है तो उसके लिए आपको डाइट पे काम करना पड़ेगा। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है आरती 1489 का, बेस्टेस्ट यूट्यूब चैनल, लव यू पायल, कृतिका, अरमान, तूबा, अयान, जैद, चीकू, थैंक यू सो मच, आपने हमारी पूरी फैमिली को प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहो, इस चैनल के साथ साथ अपना बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जैसे मलिक व्लॉग्स जो आता है सुबह 10 बजे, चिरायु पायल मलिक आता है 9 बजे, फैमिली फिटनेस आता है 2 बजे, मलिक किड्स आता है दोपहर के 4 बजे, तो हमारे दिन में 5 व्लॉग्स आते हैं, 5 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो 5 व्लॉग्स बनाने के लिए गाइस इतनी मेहनत लगती है क्योंकि वो जो व्लॉग आपको दिखता है ना 10 से 12 मिनट का होता है, बट उसका जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो कट टू कट करके ना आपको व्लॉग दिखाते हैं और ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। जो पता है मैं यहाँ पे हाथ लगाती हूँ ना, यहाँ पे हाथ लगाती हूँ, देखो हल्का सा मोटा मोटा लगेगा, क्या लगी थी तेरी? जैद ने चीकू की जो बॉटल है ना कांच वाली, मैं ऐसे लेटी हुई थी वहाँ पे, खड़ा था यहाँ खड़ा था, मुझे ऐसे उठा के मारी, और फिर गाइस पता है क्या, मुझे इतना तेज लगा, 3 दिन हो गए, 3 दिन से यहाँ पे दर्द खत्म नहीं हो रहा, पर क्या करूं, बच्चे ने मारा है, मार भी नहीं सकती, टाइम नहीं, अपने बस नीचे भी जाना है, ग्लव्स ले लेना, तो ग्लव्स लेती हूँ, देखो हैं बेरे बस की नहीं है, मेरे हाथ पूरे छिल जाते हैं। तो गाइस ये हमारे थर्ड एक्सरसाइज है जो कि है श्रग, और इस पे मैंने पहले 7.5 किया है, 7.5 7.5, फिर मैंने 2.5 वेट बढ़ा दिया है, अब मैं कर रही हूँ उतने पे, मतलब ये होगा 10 10 10 10 है दोनों साइड, तो इसे करना कैसे बता दे। आपको दिखाती हूँ आज हम नया फोन की कवर लेके आए, देखो ये वाला पायल का फोन है, ये वाला फोन मेरा है, और दोनों ने सेम कवर लिया है, बस मेरा फोन ब्लैक है तो ब्लैक कवर, पायल का ग्रे फोन है तो ग्रे कवर। नेक्स्ट कमेंट है स्वीट का, वो लिख रहे हैं रात को जिम नहीं करते, पूरा दिन एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन्ड हुई होती है, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, रात को जल्दी सो जाओ, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और आधे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे, जल्दी सोना जल्दी उठना भगवान का काम और लेट उठना शैतान का काम, इट्स ब्रिंग नेगेटिविटी, शास्त्र कहते हैं सूर्य नारायण उगने से पहले घर की लक्ष्मी को उठना चाहिए, बरकत होती है, बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल मतलब 100% आपने बिल्कुल सही बात बोली है, पहले हमारा यही रूटीन था कि हम सुबह उठते थे चीकू के लिए, चीकू को स्कूल भेज के हम नहा धो के पाठ पूजा करके सारे काम करते थे, जिम भी हम सुबह करते थे, पर अभी आप सबको पता है हमारे घर में ना हमारा रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया बच्चों की वजह से, पर आज से हमने ये सोचा है कि आज हम टाइम से 8 बजे जिम में आ गए। एक्चुअली पता है क्या गाइस, गलती क्या है कि ना, गलती ये भी नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं एक उम्र के, तो जो अयान है ना वो रात के 10 बजे सो जाता है, तूबा और जैद कैसे हैं उनको रात के 12 बजे भी सोते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, फिर वो पूरी रात 3-4 बजे तक जागते रहते हैं, और हम लोग ऐसे ना माँ की ममता जो ऐसी होती है ना कि माँ पूरा दिन जितना मर्जी काम करे वो ये सोचती है कि यार मैं ना पूरा दिन अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मैंने बच्चों को टाइम नहीं दे सकती, तो वो माँ की ममता उस चीज पे खींच जाती है, और फिर वो हम रात के 3 या 4 बजे तक हम जागते हैं अपने बच्चों के साथ, फिर सुबह चीकू के लिए भी पायल कभी उठ जाती है, कभी मैं उठ जाती है, तो फिर वही ना हमारी नींद हमारा टाइम सब कुछ इतना डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी वजह से हमारी खाने पीने का भी टाइम सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, जो मेरी दोपहर का मील होती है वो मैं खाती हूँ शाम के 7 बजे, और जो मेरी शाम की मील होती है वो मैं सुबह खाती हूँ, तो ये सब चीजें सही करनी है। तो भाई नेक्स्ट सनीता देवी का है, प्लीज रिक्वेस्ट है अरमान सर आप कृतिका मैम के साथ जाओ 1 वीक सोलो ट्रिप पर, प्लीज पायल मैम हम जाती है, इट्स अ रिक्वेस्ट पायल मैम इन दोनों को जाने दो, नेक्स्ट ट्रिप आप तीनों साथ करना, आप प्लीज अरमान सर कृतिका मैम आप दोनों ही जाना, प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। तो अनीता जी ऐसा देखो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि ना सोलो ट्रिप में, सोलो ट्रिप तो देखो ऐसा कुछ नहीं, हम जब भी जाते हैं हमारे साथ हमारी टीम जाती है, और मेरा और चीकू के पापा का भी प्लान बीच में बना था जाने का, कुल्लू मनाली भी बना था, बट वही है ना हमारे घर में जागरण है, साथ ही साथ नवरात्रि है, डांडिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है कि ना जिसकी वजह से हम लोग प्लान नहीं बना पा रहे, और प्लान बनाती भी हूँ पैकिंग भी करती हूँ बट वो चीजें हो नहीं पा रही, शायद देखो होता है ना वक्त होता है, अब किस्मत होती है, जब बनेगा प्लान तो तब चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा जो काम है ना हम तीनों हमेशा घर पे रहते हैं, तो हम अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, फैमिली टाइम जो है हम इधर उधर कॉफी भी पी आते हैं, घूम भी लेते हैं, तो और मैं और कहीं जा भी रहे हैं, हाँ मैं और पायल जा रहे हैं, ये सोलो ट्रिप हमारी हो रही है एक्चुअली, क्या ना अरमान जी से ज्यादा मैं और पायल टाइम स्पेंड करते हैं, खाना मैं इसके साथ खाती हूँ एक प्लेट में, और शॉपिंग मैं इसके साथ करती हूँ,
जिम ये मेरे साथ करती है, मल्टीविटामिन मैं इसको देती हूँ, पानी का ध्यान ये मेरा रखती है, मैं इसका रखती हूँ, खाने पीने का ध्यान ये मेरा और हम दोनों एक दूसरे का ज्यादा रखते हैं। अभी नहीं रख पा रही, बट मतलब मैं 99% अपना टाइम ना पायल के साथ स्पेंड करती हूँ। चीकू के पापा के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो 40-50% ही टाइम स्पेंड कर पाती, क्योंकि उनके ना जो काम है ना वो बहुत बिजी है, उनका जो टाइम जिम का शेड्यूल है वो अलग है, हमारा अलग है। उनके जब हम लोग जिम कर रहे होते तो वो गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो भाई ये है हमारी स्लिमिंग किट जिसके अंदर आपको मिलती है तीन चीजें, प्योर वाइटल्स और एक है वेदा फिट और एक है शिलाजीत। वेदा फिट आपको इंचेस कम करने में हेल्प करता है, इसको आपको वर्कआउट करने से 35-40 मिनट्स पहले लेना है। और ये है प्योर वाइटल के मल्टीविटामिन जो कि आप दोपहर को ले सकते हो, रात को ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो खाना खाने के बाद। और एक शिलाजीत है जो आप ल्यूकवार्म वाटर में या आप मिल्क में लो, इससे आपकी स्लीप साइकिल में सुधार आएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना बढ़ेगा और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये तीनों चीजें आपको हमारी स्लिमिंग किट में मिलती है, जिससे कंज्यूम करके बहुत सारे लोगों ने अपना वेट लॉस किया है, मैंने और पायल ने भी करा है। तो वे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, नंबर पे कॉल करके अपनी स्लिमिंग किट ऑर्डर कर लो। सो गाइस अभी मैं ग्लूट्स की भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ना ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग थाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और शोल्डर की कंप्लीट हो गई। तो स्टार्ट मैंने करा है सुमो स्क्वाट से, तो पहले भी ज्यादा का डंबल नहीं लिया, 12.5 का ही लिया है, नेक्स्ट लूंगी 15 का। हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, तो अभी हम जाने से पहले अपने दो सेट जो हैं ग्लूट्स के कर रहे हैं। तो अभी गोलू कर रही है सुमो स्क्वाट्स, मैंने अपना एक सेट कर लिया, गोलू का सेकंड सेट। यहाँ पे मैं प्रॉपर पोस्चर सीख रही हूँ, भैया ने बोला कि थोड़ा सा ना आपको लेग्स को वाइड करनी है, यहाँ पे अपने वेट पकड़ा, आपको डाउन जाना है और स्क्वीज, डाउन जाना है और स्क्वीज, और मतलब कि प्रॉपर ऐसे स्टैंड नहीं होना, हल्का सा टिल्ट रखना है। जो समझाया है चीज को अच्छे से समझाए और मैं कर रही हूँ। तू बोला ना कि स्ट्रेस दो, स्क्वीज करो, सच में वो चीज ना फील होती है कि आप जो बॉडी पार्ट कर रहे हो उस पे वो प्रॉपर आपका आता है। चलो वेरी गुड, चलो ये 1 2 3 4 5 वन मोर लास्ट, वेरी गुड, कम ऑन। तो भैया ऐसे ही इनकी बॉडी शेप है, ऐसे इनका वेट कम नहीं है, ये बहुत मेहनत करते हैं अपने वर्कआउट में और इनका जो डेडिकेशन है वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो इनकी बॉडी को लेके कोई भी शौक मत होना। सो गाइस पहले मैं ना थाई बोलती थी, पर मैं क्वाड्स बोलने लग गई हूँ, क्योंकि क्या मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ ना, तो हमें ना हर एक चीज बताते हैं कि हर एक एक्सरसाइज के डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं स्मिथ मशीन पे अगर स्क्वाट्स करूंगी तो ग्लूट्स का अलग तरीका है, क्वाड्स का अलग है और एक और होता है हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग का अलग है। अच्छा मेरे को ना आज क्या हुआ भैया, हम लोग नीचे इन्वाइट करके आए थे ना, कुछ फंक्शन है, तो आंटी ने मुझे बोला कि आप जिम करना छोड़ दे। मैंने कहा क्यों आंटी? कह रहे बस वेट बहुत कम हो गया, जिम करना छोड़ दे। मैंने कहा जिम नहीं करना छोड़ सकती, क्योंकि बॉडी को एक चीज हैबिट हो जाती है ना। मैंने कहा हम जितने एक्टिवेट हो गए ना, पहले हम सुस्ती वाले थे, बच्चे थे तो बच्चों के पीछे सारे दिन, मैंने कहा अब हम एक्टिवेट हो गए, अगर हम जिम छोड़ देंगे तो काम करना छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि फेस, मैंने कहा ये मैं भी यही सोच रही थी कि यार मेरा फेस बहुत ज्यादा पतला हो गया है, गंदी लगने का। मैंने कहा जो हमारे भैया है ना, जो चीकू के पापा को अभी ट्रेन कर रहे हैं, मैंने उन्होंने बताया कि फॉरेनर्स का फेस यही होता है, मतलब जो इनका फेस है वो आदमी मतलब सोचता पतला हो जाता है, मतलब ये आपने इनको मोटा ही देखा है तो इसलिए आपको वे गोल मोले से अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो इनकी फेस की जो लाइन है वो मतलब जो इनका काम है, जो इनका वर्क है, जो चीज करती है, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब उसका रोल होता है। और क्योंकि जब हम कैमरे पे आते हैं ना, तो अगर कैमरे पे कोई चीज इतनी बड़ी हो ना, वो इतनी बड़ी दिखती है। इतना वेट कम कर लिया अपना, मैं अपनी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ फोटोज, मेरा वेट कम है, पर जब मैं कैमरे पे जाती हूँ इतनी मोटी लगती है। हो गया नहीं? हुआ है मैं तो? चलो भाई हम बहुत उससे करेंगे, ठीक है? तो वेट है 50 kg, यहाँ से 50 दिख रहा है, यहाँ 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये तो बार नीचे दबाव नहीं, नीचे ये नीचे ऊपर नहीं नीचे नहीं, यहाँ पर ये लास्ट डाउन, वेरी गुड, टू मोर, वन मोर लास्ट, गोलू खड़ी दो और नीचे कर, भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, आज नहीं जाऊंगी 25 किलो पे। 2 चल तू तो खुद ही नहीं उठ रही, 3 वेरी गुड, 4 ऊपर नहीं आना, 5 वेरी गुड, 6 बहुत अच्छे, 7 वेरी गुड, 8 वेरी गुड, 9 जान लगाओ हिप से, 10 वेरी गुड, 11 गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 12 नहीं जंप, बहुत अच्छा, तुम्हारा लास्ट ओवर, ओह
बहुत बढ़िया। इस बार भाभी ने एक बार में ही 15 रैप किए हैं, जो पिछली बार दो बार में किए थे, इस बार एक बार में किया, तो इसका मतलब ग्रोथ इनकी स्ट्रेंथ में बढ़ रही है काफी। कुछ टाइम बाद नया फेस देखने को मिलेगा और बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। पैर थोड़ा अंदर करो, जिस चीज के लिए हम लगा रहे हैं ग्लूट्स के लिए वो हमारा अच्छा इम्पैक्ट होता है उसमें, उससे क्या हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी ग्रोथ होगी हमारी, और दूसरा क्या है हमारी कैलोरी भी ज्यादा बर्न होगी, और जिसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी उससे पावर भी बढ़ेगी। ये मतलब बिगनर के लिए भी बेस्ट होता है और ये मसल बिल्डिंग के लिए भी बेस्ट होता है। डेडलिफ्ट, ठीक है। गाइस अभी धीरज भैया का फोन आया कि उनकी ना मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स मुझे भेजी है और बोला कि आप एक बार यहाँ आसपास कोई डॉक्टर अगर जान पहचान का है। फिर मैंने सोचा है क्योंकि हम अयान का जहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं 40 से मैक्स से वहाँ पे हम डॉक्टर से तो मिलती है, तो उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी की ना नस दब गई है। नस कौन सी दब गई है मैं बताती हूँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास जो नस होती है ना वो दब गई है मम्मी की। उन्होंने बहुत जगह से MRI हर एक चीज कराई है, तो अब भैया बोल रहे हैं कि ये 4-5 डॉक्टर को दिखा दिया, वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। एक बार भाभी आप इधर पता कर लो, डॉक्टर को दिखा दो कि क्या करना क्या नहीं करना, उसके बाद मैं वो करवाऊंगा ऑपरेशन। तो मैंने बोला तू टेंशन मत ले, अभी मैं यहाँ से जाते ही सबसे पहले कॉल करूंगी मैक्स हॉस्पिटल की एक मेरी फ्रेंड है डॉक्टर, उसको कॉल करूंगी, सुबह की अपॉइंटमेंट लेंगे, जितनी भी सारी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स दिखाएंगे। अगर वो ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो मम्मी को यहीं लेके आएंगे और यहीं उनका सारा इलाज कराएंगे। तो बैड न्यूज तो है कि भाई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इंसान चलता फिरता ना बिल्कुल सही रहता है, जब थोड़ी सी दिक्कत आ जाए ना, ये कहते हैं ना पूरा रूटीन खराब हो जाता है, पूरा इंसान का ना माइंड खराब हो जाता है जब भी ऐसी बॉडी दिक्कत आती है। की हड्डी सारा कनेक्शन उसी का ही होता है, पर कुछ नहीं होता। देखो जो चीज भगवान ने लिखी है उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, बट डॉक्टर को उसे ठीक करवा सकते हैं। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, जिम वाले नीचे चलते हैं, एक सेट रह गया छोड़ रहे हैं, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।